Hello students, how are you all? I hope all are fit and fine at your home. बच्चों आज हम हिंदी विषय में एक्सरसाइज देखेंगे पार्ट पांच परीलोक की दुनिया। लेकिन बच्चों एक्सरसाइज देखने से पहले हम परीलोक की दुनिया कहानी सुनेंगे। पार्ट पांच परीलोक की दुनिया। रविवार का दिन था, रमन परियों की कहानी पढ़ रहा था, फिर वह आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया, उसके सामने एक परी खड़ी थी। रमन ने हैरानी से पूछा, क्या आप परी रानी हो? हाँ हाँ रमन, मैं वही परी हूँ जिसके बारे में तुमने अभी पढ़ा है। मैं तुम्हें परीलोक की सैर कराने आई हूँ। रमन परी के साथ उड़ने लगा। वाह, कितना मजा आ रहा है। परीलोक के नजारे देखकर रमन हैरान रह गया। परीलोक बिल्कुल साफ सुथरा था, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे, चॉकलेट के बड़े बड़े पेड़ थे। अरे वाह, चॉकलेट के पेड़! परी रानी, क्या मैं चॉकलेट खा सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। काश धरती पर भी चॉकलेट के पेड़ होते तो हम खूब मजे से चॉकलेट खाते। परी ने रमन को ऐसे खिलौने दिखाए जो बिल्कुल असली लग रहे थे। लो रमन, यह खिलौना तुम्हारे लिए। रमन को अब घर की याद आने लगी। परी रानी, आपका परीलोक बहुत ही सुंदर है, पर मुझे अब घर की याद आ रही है। ठीक है चलो। अब रमन परी के साथ वापस अपने घर गया। परी रानी, क्या आप मुझे दोबारा परीलोक ले जाओगी? हाँ हाँ रमन, जब भी तुम्हारा मन हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। यह कहकर परी ने रमन को प्यार किया और गायब हो गई, न जाने कहाँ। कैसी लगी कहानी बच्चों? मजा आया ना सबको? अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। भाषा ज्ञान, ग्रामर स्किल्स। एक्सरसाइज नंबर वन, दी गई मात्राओं का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखो। यहाँ सबसे पहले दी हुई है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा से शब्द बनेगा साफ हाथ। उसके बाद है छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा से शब्द बनेगा रविवार शनिवार। उसके बाद है बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा से शब्द बनेगा परी डाली। उसके बाद है छोटे ऊ की मात्रा, तो छोटे ऊ की मात्रा से शब्द बनेगा सुथरा पुल। उसके बाद है बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा से शब्द बनेगा फूल सूरज। उसके बाद है री की मात्रा, तो री की मात्रा से शब्द बनेगा मृग नृप। बच्चों दी हुई मात्राओं से आप दूसरे और भी शब्द बनाकर लिख सकते हो। एक्सरसाइज नंबर टू, ड और ढ के शब्द चुनकर सही जगह पर लिखो। तो बच्चों यहाँ आपको ड के नीचे बिंदु दिखाई दे रहा है और ढ के नीचे भी बिंदु दिखाई दे रहा है। यहाँ जो ड और ढ है उसे उपक्षिप्त वर्ण कहा जाता है। उपक्षिप्त का अर्थ होता है फेंका गया। इनके उच्चारण से मुख से निकलने वाली हवा के साथ जीभ का प्रयोग कुछ झटके के साथ होता है। किसी भी शब्द के प्रारंभ में ड या ढ वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। बच्चों यह जो बिंदु वाला ड और ढ है इनका प्रयोग शब्द के बीच में या तो फिर अंत में किया जाता है। यहाँ हमें ब्रैकेट में ड और ढ वर्ण के शब्द दिए हुए हैं। उन शब्दों को चुनकर सही जगह पर लिखना है। जैसे यहाँ शब्द दिया हुआ है पढ़ना, तो पढ़ना शब्द ढ वर्ण के सामने लिखा हुआ है। उसके बाद शब्द है पेड़, तो पेड़ शब्द ढ वर्ण के सामने लिखा हुआ है। उसके बाद शब्द है उड़ना,
तो उड़ना शब्द में ड वर्ण है, इसलिए वो हम ड वर्ण के सामने की ब्लैंक में लिखेंगे यहाँ। उसके बाद शब्द दिया हुआ है बढ़ना, तो बढ़ना शब्द में ढ वर्ण है, इसलिए वो हम ढ वर्ण की सामने वाली ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद शब्द दिया हुआ है खिड़की, तो खिड़की शब्द में ड वर्ण है, इसलिए वो हम ड वर्ण की सामने वाली ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद शब्द दिया हुआ है चढ़ना, तो चढ़ना शब्द में ढ वर्ण है, इसलिए वो हम ढ वर्ण की सामने की ब्लैंक में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 पर लिखनी है। इस एक्सरसाइज की मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी है और इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ।